फिरोजाबाद में एक ओर जहां कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं सरकार ने राहतें दी हैं। हालांकि फिरोजाबाद में व्यापारी प्रतिष्ठानों को भी खोलने की बात की जा रही है। उनका कहना है कि जब दूसरे स्थानों पर प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं तो हमें क्यों अनुमति नहीं मिल पा रही। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि साहब माल एक तो खराब होने जा रहे हैं और मार्केट में 4 महीने हो गए, दुकान खुल नहीं पा रही है, किराए की परेशानी आएगी और सारी तरह की परेशानी है। हम ये चाहते हैं कि मार्केट मक्खनपुर की तरह हमें भी 8 से 2 बजे तक का टाइम दिया जाए, इस तरह मक्खनपुर में दिया गया है और हमारे सुहागनगर में अभी तक कोई केस नहीं। किस चीज़ की दुकान है? रेडीमेडी शॉप है हमारी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये था, 3-3 चक्कर में किराए चढ़ गए हैं, लोगों की मजबूरी है, आदमी कहाँ से किराया देगा, कहाँ से बच्चों को खाना खिलाएगा, व्यापार बंद है तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि व्यापारों के लिए खुलवाने की व्यवस्था की जाए। मतलब जिला प्रशासन से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? जैसे कि हम यही इच्छा करते हैं कि आप जैसे भी हो कंटेनमेंट जोन हो या जो भी हो होशियारी बरतते हुए उसमें थोड़ी सी ढील दी जाए। कितना समय हो गया दुकान पर? 3 महीने हो गए कंटिन्यू बंद है। 22 मार्च को बंद हुई थी, तब से नहीं खुली, नहीं कोई ढील नहीं दी गई, नहीं कोई ढील नहीं। कौन है आप? क्या किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ये है कि स्टॉक लगे हुए हैं, बाजार खुल नहीं रहा है जी, और सारे माल रुके हुए हैं, माल अंदर खराब हो रहे हैं, सीजन ऑफ हो रही है। प्रशासन से यही मेरा निवेदन है कि एक साइड मतलब जो खुलवाई है जैसे बाजार में खुल रहा है उसी प्रकार से मुझको भी मतलब जो है क्या आज हम खाने के